मनीष गुप्ता जी, जो कि हमारे भारतवर्ष में इंश्योरेंस में इनका नाम माना जाता है। आज हम इनसे, आज का हमारा ये क्वेश्चन है इनसे कि यदि किसी व्यक्ति यानी कि किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसने बाय चांस किसी उसने नॉमनी का नाम नहीं दलवाया, यानी कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमनी का नाम नहीं दलवाया इन केस, और तो अगर उसके एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को क्या उसके लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके बारे में डिटेल्स बताइए। तो आज जो टॉपिक इन्होंने किया है बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है और उसने नॉमनी को डलवाया ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज की डेट में बिना नॉमनी के फॉर्म आगे नहीं जाता है। क्योंकि अगर पुराने केसों में देखें तो आज भी बहुत ऐसे केसेस पड़े हुए हैं कंपनियों के पास जिसमें कि नॉमनी ही नहीं था। अब अगर उसकी डेथ होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, जनरल डेथ होती है, तो हम उसको क्लेम किसको करेंगे? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमने नॉमनी नहीं पढ़ा है और बाई चांस उसके घर वाले आ जाते हैं यहाँ पे कि मेरे को क्लेम चाहिए, तो क्लेम मैं किसको प्रोवाइड करूँगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले तो हम लोग उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में उसके भाई को, बहन को, वाइफ को, तीन चीज़ों को देखा जाता है। और उसमें हमारा जो आज का जो LIC का जो रूल है उसमें हम लोग करते हैं, जब हमारे 4-5 लोग वहाँ पे होते हैं, पता चले दो भाई हैं, दो बहन भी हैं और वाइफ भी है, तो प्रेफरेंस हमारा पहले पत्नी को ही होता है कि उसकी पत्नी को ही क्लेम दिया जाए। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले करना ये होता है कि कोर्ट से इसका एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट में अगर वाइफ का नाम पहले है तो हम उसको पेमेंट पहले करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी उसमें आपके भाई इम्प्लीमेंट मतलब भाई को रखा गया है, बहनों को रखा गया है, तो सबके हमें NOC भी चाहिए होते हैं। क्योंकि जो भी हमारा क्लेम है हम केवल एक ही पार्टी को करते हैं, बाकी 5 लोगों को हम डिवाइडेशन नहीं दे सकते वहाँ पे। तो कोशिश ये होती है कि हम लोग वहाँ पे आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, और अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट मेरे पास आता है कोर्ट से अप्रूवल, तो हम उसका पेमेंट नॉमिनी को करते हैं। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट सर ये कोर्ट से बनता है, कचहरी से बनाया जाता है, जिसको वकील के थ्रू बनता है, और उस पर कुछ एक फीस होती है जितने का सम इंश्योर्ड होता है, उस पर कोई नॉर्मली फीस लगती है जो कि आप पेडअप करते हैं, तो वो आपके नाम पे वो बनता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने में कितनी अवधि लगती है, यानी कितना समय लगता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने में करीब 6 महीने का समय लगता है। विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे निकाला जा सके? नहीं सर, और हमारी कंपनी ने कोई भी ऐसा दूसरा क्लॉजेज नहीं निकाला है जिसके थ्रू हम उसी का मतलब क्लेम सेटलमेंट कर सकें। केवल आपके लिखित पेपर या आपके केवल वर्बल बोलने से हम किसी क्लेम को सेटलमेंट नहीं करते हैं। हमें ऑन पेपर सारे पेपर हमें डॉक्यूमेंट्स सही चाहिए होते हैं, ओरिजिनल चाहिए होते हैं, ताकि हम उसको देख के वेरीफाई कर सकें और क्लेम जो है वो सही पर्सन को हम प्रोवाइड कर सकें। आज की डेट में बहुत से ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि पता चला कि उसने नॉमिनी नहीं किया था, कोई भी आके उसका पेमेंट ले गया, गलत खाते में पैसा चला गया, बाद में जिसका क्लेम था वो आके कंप्लेन करता है, तो उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। और इसके लिए सक्सेशन का एक प्रारूप डाल दिया गया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप हमको देते हैं तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, उसमें हम कोई भी हीला वाली नहीं करते हैं। अच्छा, सक्सेशन सर्टिफिकेट तो वो बात हम समझ सकते हैं, इसके अलावा मान लीजिए उसके ब्लड रिलेशन के अलावा या उसकी फैमिली के अलावा, मान लीजिए उसकी फैमिली में 2 बच्चे हैं और वाइफ हैं, और वाइफ के अलावा भी अदर कोई घर के मेंबर यानी कि उसके भाई या सगे भाई या उस या दूर के कोई रिलेटिव अगर क्लेम करते हैं तो क्या उनको भी बेनिफिट मिलेगा इसका? सर, मैंने अभी आपको बताया कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो जो बनवाया जाता है उसमें भी हमें आपको बोला है कि हम पहले जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको हम चेक करते हैं। अब सपोज दैट पर्सन ने नॉमनी नहीं डलवाया था लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड में उसका फादर का नाम पड़ा है, मदर का नाम पड़ा है, उसके भाइयों का नाम पड़ा है और उसके बहनों का नाम पड़ा है, वाइफ का भी नहीं पड़ा क्योंकि उस समय उसकी मैरिज नहीं हुई थी। तो हम ये पहले जो 6 लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि अगर फादर हैं, मदर हैं, भाइयों बहन हैं, 4 लोग जो आते हैं, अगर 2-2 लोग वो भी हैं, तो ये टोटली जितने भी लोगों का है वो हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट में नाम होता है। और सारे लोग हमें एक पर्सन के लिए, सपोज दैट अगर फादर को पेमेंट चाहिए तो फादर के लिए सबको NOC देनी पड़ेगी, मदर को चाहिए तो मदर के लिए दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को और फादर को एक NOC देनी पड़ेगी, तब हम मदर के नाम पेमेंट करेंगे। तो उसमें